नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोकनीति। आज फिर राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षक ट्राइबल विभाग की मंत्री मीना सिंह के बंगले पर मौजूद हैं। इस वक्त ये जो लगातार चयनित शिक्षकों का जो मुद्दा है 2018 से लगातार चला आ रहा है, 2018 से पहले ये अपनी नियुक्ति को लेकर परेशान थे, फिर उसके बाद अब अपनी भर्ती को लेकर परेशान है। डीपीआई ने 12,043 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, वहीं दूसरी तरफ ट्राइबल विभाग ने भी वर्ग एक के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की है, लेकिन अभी तक वर्ग दो के चयनित शिक्षकों को सेवा में नहीं लिया गया है। आखिर ये दोहरा व्यवहार इन वर्ग दो के चयनित शिक्षकों के साथ क्यों किया गया? वर्ग एक के लगभग 2200 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन लगभग 5000 पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, चयनित शिक्षकों के हित में, जनजातीय समाज के हित में बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कही जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी में अभी 15 तारीख को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन राजधानी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, लेकिन जनजातीय समाज के जो छात्र हैं उनके साथ लगातार अहित किया जा रहा है। लगातार जो इन जिन छात्रों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, ये शिक्षक अभी देखिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, मंत्री के बंगले के सामने मौजूद है, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। जबकि आंकड़े कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, जब और दूसरी तरफ शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है 3 साल से। अब 2021 लगभग खत्म होने को है, इतने लंबे समय के अंतराल के बाद भी अभी तक चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिर ऐसा दोहरा व्यवहार इनके साथ क्यों किया जा रहा है, अब हम इनसे चर्चा करेंगे। देखिए महिलाएं भी आई हुई हैं, चयनित हैं ये शिक्षक भर्ती में, ये चयनित हैं ट्राइबल विभाग के द्वारा, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। ये वर्ग दो के चयनित शिक्षक हैं। लगातार आप लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती होगी, तो इस पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है वैसे हमें, और वर्ग एक के तो इनको नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं और हमें नहीं दिए हैं। अगर हम नहीं पढ़ते तो कुछ और काम कर सकते थे। तो ये दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है आप लोगों के साथ? क्या इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब आया, मंत्री ने कोई जवाब दिया? ऐसे ही बोलते हैं वो, एक दिन में दे देंगे, दो दिन में दे देंगे, कुछ फिक्स जवाब नहीं देते हम। ये जो एक दिन दो दिन का समय है, ये आप लोगों पर बहुत भारी पड़ रहा होगा, क्योंकि 2018 से यही बात कही जा रही है। जी मैम, बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हो चुके हैं, और अफसोस की बात ये है कि जिस दिन हम 17 तारीख को आए थे यहाँ पर, उसके दूसरे दिन तो 18 तारीख को अंतिम चयन सूची निकल चुकी है, परंतु अलॉटमेंट सिर्फ वर्ग एक के आए हैं, और वर्ग दो का हम लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं अलॉटमेंट लेटर का। विभाग के द्वारा ये बोला जाता है कि एक दो दिन बाद, मतलब कि एक दिन के अंतर में आप लोग की भी नियुक्ति हो जाएगी, पर अभी तक ऐसा एक हफ्ता बीत चुका है पर ऐसा कुछ अलॉटमेंट नहीं आया है हमारा। आज आप मंत्री मीना सिंह के बंगले पर मौजूद है, तो आपको क्या उम्मीद है कि मंत्री आएंगी, आप लोगों से चर्चा करेंगी और आप लोगों को ऐसी उम्मीद देंगी कि जल्द ही आप लोगों की नियुक्ति, क्योंकि लगातार उम्मीद ही दी जा रही है? जी मैम, हम यही उम्मीद करते हैं कि आज हम नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएं, अपनी नियुक्ति लेकर जाएं। मैम 4.5 से 3.5 साल हो गए हमको इंतज़ार करते हुए, हर चीज़ में हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैडम इंतज़ार करने की भी एक हद होती है, हम थक चुके हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल प्रताड़ित हो चुके हैं, हम कब से परेशान हैं। मैम एक हफ्ते पहले हमारी चयन सूची जारी हुई, और वो भी 1.5-2 महीने के इंतज़ार के बाद जारी हुई, उसके बाद से 1-2 दिन का हमसे बोला जा रहा है कि आज कल 1-2 दिन में आपकी स्कूल अलॉटमेंट आ जाएगा, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। और मैडम ये पूरा एक हफ्ता हो गया है, अब हमें जवाब मिल रहा है कि 1 हफ्ते बाद आइएगा, 1-2 हफ्ते बाद आपका कुछ होगा। अब 2 हफ्ते बाद अगर हम पूछेंगे तो बोला जाएगा कि 1 महीने बाद आइएगा। ऐसे 1-1, 2-2 महीने करके मैडम हमारे 3.5 साल हो चुके हैं, और 3.5 साल ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है मैडम, इतना टाइम निकल चुका। अब जो एक नौकरी मिलने की या एक उम्मीद होती है, जो खुशी होती है मैडम, अब वो सारी आयु भी बढ़ रही है और वो पूरा जो उत्साह होता है मैडम वो ख़त्म हो चुका है। अब अंदर से हम पूरी तरह से टूट रहे हैं, मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं मैडम, बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। सरकार हमें नौकरी देना चाहती है नहीं चाहती है बता दिया जाए, अगर ऐसा बता देती हम अब क्या पढ़ाएं अपने बच्चों को, और हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि नौकरी पाने के लिए, नौकरी पाने का एक चरण है, ये भी एक प्रोसेस में आएगा कि आप पहले एक चीज़ करो, फिर आप 2 महीने इंतज़ार करो, फिर आप परेशान होते रहो, फिर आपका कुछ होगा, फिर दूसरी प्रोसेस में हम 2 महीने इंतज़ार करें, 4 महीने करें, कुछ तो मैडम मालूम होना चाहिए कि आपका कब होगा, क्यों रोका गया है,
क्या कारण है हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। बोला जाता है एक दिन दो दिन, जब वो दो दिन निकलते हैं तो एक हफ्ते, एक हफ्ता निकलता है तो एक महीना, कब तक इंतज़ार करेंगे मैडम। हर चीज़ की एक लिमिट है, हमारी अब सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, अब हमें नियुक्ति दे दी जाए, अब हम बहुत परेशान हो चुके। लगातार जनजाति हित की बात सरकार कहती है। जनजाति गौरव दिवस मध्य प्रदेश में मनाया गया, अब इस दिन को हर साल जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा 15 नवंबर को। और जो जनजाति समाज के बच्चों को आप लोगों को पढ़ाना है, अब आप लोग अभी भी लेकिन सेवा से बाहर है। हाँ, हमें मतलब 3 साल से इंतजार करना पड़ रहा है और शिक्षकों को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अभी इस समय की वर्ग एक के सभी शिक्षकों की जिनकी अंतिम सूची आ गई है उनको तो नियुक्ति पत्र दे दिए गए, लेकिन हम वर्ग दो वालों के साथ अन्याय हो रहा है अभी भी। ये जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, आप लोगों को क्या कुछ लगता है? ये एक चाल है मैडम, सरकार अपना पैसा बचाना चाहती है, जितना लेट करेंगे उतना कम बजट आएगा। लेकिन जो जनजाति वो गौरव दिवस मनाया गया था, महासम्मेलन था, उसमें तो 23 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए थे पीएम के प्रोग्राम के लिए। सब पोस्टर की महिमा है मैडम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते 17 तारीख को हम यहाँ बैठे थे, 18 को 1 बजे रात को लिस्ट आ गई, वर्ग एक का अलॉटमेंट हो गया, वर्ग दो के लिए कहा गया कि बस दो दिन रुकिए हम अलॉटमेंट जारी कर देंगे। एक हफ्ता हो गया, हम यहाँ जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो जाते। और ये चौराहों पे जो पोस्टर्स बोर्ड लगे हुए हैं उसमें लिखा गया है कि जनजाति समाज के हित में नियुक्ति हो चुकी है, जनजाति जो भी पद थे उसमें नियुक्ति नहीं हुई थी उस दिन, 3 लोगों की हुई थी, बैगा सहारी भारिया की, बाकी सब बैठे हैं हम लोग। पर मुख्यमंत्री तो अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमने सभी जनजातीय शिक्षकों को नियुक्ति। झूठ बोल रहे हैं वो, झूठ बोल रहे हैं, 15 साल उन्होंने पहले झूठ बोला, आप बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? जनजातीय विभाग के चयनित शिक्षक लगातार नियुक्ति नहीं मिलने से परेशान हैं। वर्ग एक की चयन सूची आ चुकी है, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, लेकिन वर्ग दो के जो चयनित शिक्षक हैं वो अपनी नियुक्ति के लिए परेशान हैं। आज एक बार फिर से ट्राइबल विभाग की मंत्री मीना सिंह के बंगले पर ये चयनित शिक्षक मौजूद है, लेकिन इनसे मिलने कोई नहीं आया है, कोई भी आश्वासन नहीं दे रहा, कोई बात तक नहीं करना चाहता है, जबकि ये परीक्षा दे के, सरकारी परीक्षा देकर चयन हुए हैं। तो लगातार इस तरह से जो व्यवहार मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सरकार जो व्यवहार ये मध्य प्रदेश के सरकारी भर्ती में जो ये शिक्षक सरकारी नौकरी के लिए जो चयनित हैं उन लोगों पे, इन लोगों से इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, सरकार किसी भी तरह के जवाब से अक्सर कर बचती नजर आती है। आज भी मंत्री इन लोगों से मिलने नहीं आई हैं, यहाँ के अधिकारी तक इनसे मिलने नहीं आते हैं। ये लगातार चयनित शिक्षक इससे पूर्व में भी आए थे, 17 तारीख को भी यहाँ पर आए थे, अपनी नियुक्ति की मांग के लिए आए थे, पर वर्ग एक की सूची जारी हो गई, लेकिन अभी तक वर्ग दो के चयनित शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, अभी तक इनकी नियुक्ति के आदेश नहीं आए हैं, सिर्फ लगातार सरकार द्वारा बरगलाया जाता है। जनजाति हित की बात लगातार मध्य प्रदेश की सरकार करती है, लेकिन जनजातीय वर्ग जो जनजातीय समाज है उनके साथ अहित जो है वो देखा ही जा रहा है। और जनजातीय समाज के जो बच्चे हैं उनका, उनकी शिक्षा दीक्षा का जो स्तर होता है वो काफ़ी निम्न होता है, और इन्हें पढ़ाना है, ये शिक्षक जो हैं इन्हें पढ़ाना है उन जनजातीय समाज के बच्चों को, जिनकी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके जनजातीय सम्मेलन में कहकर गए थे। जनजातीय हित की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भाषणें कही गई थी, लेकिन वाकई जो हकीकत में है ये देखिए, जनजातीय समाज के जो शिक्षक हैं जिन्हें पढ़ाना है, जिन्हें शिक्षा देनी है, वो सड़कों पर मौजूद है। इनकी नियुक्ति कब होगी, आदेश कब जारी होंगे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 2018 से सिर्फ इन्हें बरगलाया जाता है, यही कहा जाता है कि जल्द इनकी नियुक्ति होगी, लेकिन यह जल्द जो है इन लोगों पर बहुत भारी पड़ रहा है। आगे देखना होगा कि कब इन जनजातीय विभाग के वर्ग दो के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी। बड़े जर्नलिस्ट खाई जौहर के साथ मैं गरिमा श्रीवास्तव, भोपाल।